नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके 180 से भी ज्यादा देश सदस्य हैं। आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करने, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने, निर्धनता कम करने, रोजगार को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बनाई गई ऐसी ताकतवर संस्था IMF में मुख्य अर्थशास्त्री की जिम्मेदारी संभाल रही गीता गोपीनाथ इन दिनों भारत के दौरे पर आई हुई हैं, जहां उन्होंने गुरुवार को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से गीता गोपीनाथ की इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें जारी करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से लिखा गया, IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन्हीं तस्वीरों को खुद गीता गोपीनाथ ने भी शेयर करते हुए पीएम मोदी को बेहतरीन मुलाकात के लिए धन्यवाद दिया है। गीता गोपीनाथ ने लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मुलाकात और व्यापक बातचीत के लिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी से गीता गोपीनाथ ने ऐसे समय में मुलाकात की है जब भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। इसके खिलाफ बिल भी तैयार कर लिया गया है, मगर इसी बीच भारत आई IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली गीता गोपीनाथ बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया जाए। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने के बजाय रेगुलेट करना चाहिए। उन्होंने इस पर एक वैश्विक नीति बनाने का भी सुझाव दिया है। गोपीनाथ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाने की राह में कई तरह की चुनौतियां मौजूद हैं। क्या आप वास्तव में क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि कई एक्सचेंज ऑफशोर हैं और वे किसी विशेष देश के नियमों के अधीन नहीं है। कोई विदेश इस समस्या को अपने दम पर हल नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन आसानी से सीमा पार से किया जा सकता है। इस पर तत्काल एक वैश्विक नीति की जरूरत है। मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी फिलहाल के लिए वैश्विक खतरा नहीं है, लेकिन बिना नियामक के इस कारोबार को लेकर कई प्रकार की आशंकाएं सामने आती हैं, जिसका ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। 49 साल की प्रमुख भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने साल 2019 में मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर IMF में शामिल हुई थी। कर्नाटक के मैसूर में जन्मी गोपीनाथ वैश्विक वित्तीय संस्थान की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले IMF ने कहा था कि गोपीनाथ अगले साल जनवरी में अपनी नौकरी छोड़ देंगी और प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लौट जाएंगी, मगर अब खबर आ रही है कि जनवरी 2022 से वो IMF की डिप्टी डायरेक्टर का पद संभालने जा रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी से उनकी ये मुलाकात अहम मानी जा रही है।